वेलवेट के अलावा कोई कपड़ा नहीं है? डार्क कलर लियो, सब महंगा है। मुझे ये वाला कलर पसंद है। वाह, मेरा दिल थोड़ा डगमगा रहा है। ये बात मुझे बचपन से पता थी और होश मुझे मार्केट पहुँच के आया। उन्हें पता नहीं था लड़की डीट है, मैं पैदाइशी डीट हूँ, मैं नहीं मानी। Hey everyone, welcome back to my new vlog guys। और छतरी लेके मैं निकल चुकी बारिश के मौसम में एक जरूरी काम करने। जरूरी काम यह है कि हमारे जो सोफे की गद्दियां है ना यार, काफी पुरानी हो चुकी है, तो मैं उन्हें चेंज करना चाहती हूँ। मम्मी का कहना है कि सोफा ही नया ले लो, पर मुझे सोफे से इतना लगाव, इतना प्यार है ना, जैसे इस छतरी से। ये छतरी टूटी हुई है, घर में 8 छतरियां हैं, पर मैंने चूज करी ये वाली क्योंकि इससे मैंने दिल लगी कर ली है, समझे। तो इसीलिए अभी बारिश सुबह से हो ही रही थी, बड़ी मुश्किल से रुकी है, तो मैं और मेरी छोटी बहन छतरी लेके निकल चुके हैं। और हमारे पास ना इंची टेप भी नहीं लगा है, और सोफा कहीं नया ना आ जाए। मैंने सोफे की गद्दियां कैसे नापी पहले वो देख लो। घर में इंची टेप हमारे था नहीं, तो हमने क्या किया ना, धागे से ही सोफे की लंबाई चौड़ाई नाप ली पहले। तो मैंने और मेरी बहन ने एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाया, पर भाई जब हम मार्केट गए ना और दुकानदार भैया को हमने साइज बताया, तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया मैडम, हमारे पास भी इंची टेप नहीं होता, हम भी ऐसे ही करते। फिर हमको लगा यार हम तो बड़े समझदार है। भैया 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 भाई, रिक्शा ही नहीं मिल रहा है, अभी बारिश नहीं रुक रही थी, अब रिक्शा नहीं मिल रहा है। सोचो पुराने सोफे से बिछड़ने का मुझे कितना गम है, डर है मुझे कहीं मेरी माँ नया सोफा ना ले ले, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सोफे की गद्दियाँ बनवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बारिश में भी जा रही हूँ। दोस्तों इससे बिछड़ने का भी काश मुझे उतना ही डर होता। क्यों? तू कल बिछड़ती है, आज बिछड़ती है, अभी मैं नहीं बिछड़ती। हाँ यही तो आता है, मैं चिपकूं। चिपकू गई। सो हमें फाइनली ऑटो मिल चुका है, चलिए खड़े हो जाइए, बैठ के आराम से, पैर तो आप ऐसे हिलाने जैसे आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। खड़े होइए, खड़े हो जा भैया, वो धक्का मार के निकालेंगे, अच्छा लगेगा, खड़ी हो जा। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फर्नीचर मार्केट, और हमको सोफे की गद्दियां बनवानी है। पर अभी यहाँ के सोफे देख के मेरा दिल थोड़ा डगमगा रहा है, पर मैंने अपने सोफे से शिद्दत वाली मोहब्बत की है। सोफा नया नहीं आने दूंगी, चाहे दूसरा नया सोफा ले जाऊँ, पर वो नहीं बिकने दूंगी यार। मुझे ना ऐसी वाली चेयर चाहिए और एक प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल, ताकि मैं उस पर बैठ के सजूँ। कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, जय श्री राम। यहाँ इतने सारे गद्दे देख के भाई नींद आ रही है मुझे। बहुत सारी रंग बिरंगी लंबी छोटी पतली मोटी हजारों सोफे की गद्दियाँ देखने के बाद अब मैं कुछ रंग बिरंगे सोफे देखने आई हूँ दोस्तों, क्योंकि जो भैया खड़े हैं ना नीली टी शर्ट में, इन्होंने इतनी मासूमियत के साथ मुझे इतनी महंगी महंगी सोफे की गद्दियाँ दिखाई कि मेरे को लग रहा है सिर्फ सोफे की गद्दी इतनी महंगी लेने से अच्छा है इसमें 5-6 हज़ार रुपये और मिला के एक नया सोफा ही आ जाएगा। तो अभी मैं सोफे की क्वालिटी चेक कर रही हूँ, लकड़ी कैसी है बैठ के चेक कर रही हूँ, उसका कुशन क्वालिटी कैसा है। देखो भैया घर में चलनी तो मम्मी की है, जो मम्मी बोलेगी होना वही है, पर अगर अब मैं मार्केट तक आ गई हूँ तो सब कुछ चेक कर लेती हूँ, घर में जाकर डिस्कस करेंगे, जो होगा वो आपको और मेरे को बाद में पता ही चल जाएगा। और वैसे भी भारी थी, जोर से बारिश आ रही है कि उस बारिश में भीग के बीमार होने से अच्छा है बैठ के आराम करते हैं। तो जी सोफे भी मैंने बहुत सारे देख लिया, थोड़ा सोफे का कलर भी डिसाइड कर लेती हूँ। वैसे भी भारी थी, जोर से बारिश हो रही है, और चाहे मैं नया सोफा लूँ या पुराने सोफे की गद्दियाँ नहीं बनवाऊँ, कपड़ा और कलर तो मैंने डिसाइड करना ही है। वैसे भी ये मार्केट मेरे घर से काफ़ी दूर थी, जब इतना ज़्यादा किराया भाड़ा लगा के मार्केट तक गई हूँ तो कम से कम एक काम तो निपटा ही लेती हूँ ना। मैंने सारी गद्दियों की, सोफे की और इस कैटलॉग की वीडियो बना ली थी, क्योंकि बाहर कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो मैं नहीं चाहती मम्मी मार्केट तक आके परेशान हो, इसलिए घर जाके मम्मी को ये सारी छोटी छोटी क्लिप दिखा के अच्छे से समझाऊंगी, फिर मम्मी जैसा बोलेगी वैसे ही होगा। सही बताऊँ ना, मैं चाहती हूँ पुराने सोफे की नई गद्दियाँ बनवा देती हूँ, क्योंकि उस सोफे से मेरा दिल लगा हुआ है, वो हमारे घर का पहला सोफा है, उससे पहले तो हमारे घर में सोफा भी नहीं था, और आज से 10 साल बाद वो हमारा खानदानी सोफा भी तो कहलाएगा। मेरे को अपनी माँ पे पूरा विश्वास है, जिस चीज से मेरा दिल जुड़ा हुआ है ना, मेरी माँ उस चीज को मुझसे कभी दूर नहीं होने देगी दोस्तों। तो जी मैं आ चुकी हूँ घर दोस्तों, बाहर आ रही है बहुत ही जोरों शोरों से बारिश, आप आवाज सुन सकते हो। सो बताते हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है कि आज हमारा मार्केट जाना एकदम वेस्ट रहा, व्यर्थ रहा, कोई काम नहीं बना है, क्योंकि आज है सोमवार, मंडे है आज, तो मंडे को सारी दुकानें बंद होती है। ये बात मुझे बचपन से पता थी, और होश मुझे मार्केट पहुंच के आया कि आज सोमवार है, जब मैंने आसपास की दुकानें देखी भैया सारी दुकानों में ताला लगा है, और जो कुछ दुकानें खुली थी उसमें शेर नहीं, 125 दुकानदार बैठे थे, 500 की चीजों मुझे 1500 की बता रहे थे। मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले ना मेरी एक दिया, उन्होंने उसी मार्केट से अपने सोफे की गद्दियाँ बनवाई थी, वो गद्दियाँ मुझे इतनी कमाल की लगी कि मैंने निर्णय उसी दिन ले लिया था कि मैं भी अपने सोफे के लिए वही गद्दियाँ सिलवाऊंगी। पर वो भैया मुझे डबल ट्रिपल रेट बता रहे थे, उनको लगा एक तो लड़की छोटी है, ऊपर से बाहर जोर से बारिश आ रही है, लड़की दूर से आई है और आसपास की दुकानें बंद है, तो ये 1500 की बोलूंगा तो 1000 में 900 में ले ही लेगी। उन्हें पता नहीं था लड़की डीट है, मैं पैदाइशी डीट हूँ, मैं नहीं मानी। और मैंने सोचा, दिमाग लगाया, कुछ नए सोफे भी देखे, उनका प्राइस पता किया, तो आप हिसाब लगाओ, भैया मुझे बोल रहे थे कि 500 की एक गद्दिया सोफा, मेरा 10 सीटर है तो मुझे 10 गद्दियाँ चाहिए, 500 × 10 5000। अब 5000 की सिर्फ स्पॉन्ज खरीदूंगी, उसका कवर भी तो बनाना ना, उसके भैया एक्स्ट्रा मुझसे 3000 मांग रहे थे, 5 और 3 8 हो गए। उसके बाद सोफे को पेंट भी तो करवाएंगे, और पेंट करवाने के भैया 4000 मांग रहे थे, और कोई डिस्काउंट नहीं, ये प्राइस डिस्काउंट देने के बाद।
तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो टोटल मेरा खर्चा आ रहा था 12-13 हजार रुपए का। मैंने सोचा कि कुछ नए सोफे भी देख लेती हूँ, तो जब मैंने नए सोफों के प्राइस सुने तो मुझे लगा 12-13 हजार में अपने पुराने सोफे को नया बनाने से अच्छा है मैं एक नया सोफा ही ना ले लूँ, समझ रहे हो। तो अभी फिर मैं घर आ गई, कुछ नहीं लिया मैंने, कुछ फाइनल नहीं किया। अभी मैं घर वालों से पूछूंगी क्या करना है कैसे करना है, उसके बाद जैसे मम्मी पापा कहेंगे वही होगा। दोस्तों फिलहाल बहुत बहुत जोर से बारिश आ रही है, पकोड़े शकोड़े खाने का मन कर रहा है, उसका जुगाड़ करते हैं। चलो चाय पकोड़ा देने से तो मम्मी ने मना कर दिया, पर हाँ बिस्किट और गर्मा गर्म चाय जरूर मिल गई है। दोस्तों फटाफट से इसको पी लेते हैं, भाई आज नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे इन फ्राइज को। ये क्या है भाई, ये तो सोया चाप है, ये तो नहीं चबा सकते दोस्तों। अब बारिश के मौसम में पकोड़े तो मम्मी खाने नहीं दे रही, थोड़े फ्रेंच फ्राइज हो जाए, सही बात है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये सुंदर सी कलाकारी दोस्तों, ये मेरी छोटी बहन ने अपने हाथों से बनाया है और उन्हीं हाथों से इसमें रंग भी भरा है। कुछ भी बोलो, मुझे बचपन से भले ही तू पसंद नहीं है पर तेरी ड्रॉइंग मुझे तब भी पसंद थी, अब भी पसंद है। तुम्हें मुझ में कुछ पसंद है? मुझे तेरी स्किन पसंद है और आज तो ज्यादा शाइन कर दिया, क्या लगा है? जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तारीफ करे समझ जाओ तारीफ सच्ची है। इसको आज मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो दिख रहा है क्योंकि आज मैंने लगाया मेरा फेवरेट मामाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन, जिसमें की विटामिन सी और टर्मरिक की गुडनेस है। ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, मेड सेफ है, तो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। इसमें मेरा शेड है 01, आप अपने हिसाब से अपना शेड पिक कर लेना। बहुत से शेड्स में मामाअर्थ ने लॉन्च करा है, ये काफी कमाल का। इसका यूनिक सा लाइट वेटेड सीरम फॉर्मूला इजीली हम अपनी फिंगर टिप की हेल्प से और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। बाकी काफी लॉन्ग लास्ट करता है, 12 घंटे से भी ज्यादा फुल कवरेज देता है और इंस्टेंट ग्लो देता है। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे एक ही एप्लीकेशन के बाद कितनी नेचुरल सी शाइन देखने के लिए मिल रही है। इजीली आपको मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल या मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएंगे, जहां अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिलेगा। आप तो मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट इजीली आपके नजदीकी ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। मामाअर्थ इंडियन ब्रांड होने के साथ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितना प्लास्टिक यूज नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा रिसाइकिल कर देते हैं। कमाल का फाउंडेशन और प्राइस है सिर्फ 349 रुपीज़, पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट छोटी सी है, छोटे से छोटे बैग में आ जाएगा, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली और कन्वीनियंस है। मामाअर्थ ने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव लिया कि 2025 तक इनको 1 मिलियन ट्री प्लांट करने। जब भी इनके वेबसाइट से कोई भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं ट्री से, जो कि सच में उगाते हैं। सुबह से शाम हो गई और मेरा ग्लो टस से मस्त नहीं, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हमको बनाना है चिली पोटैटो, जिसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च और साथ ही दूध भी खत्म हो चुका है तो वो भी ले लेंगे। चलो ये रही। भाई घर वाले सही कहते हैं, समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता। ये दो शिमला मिर्च 24 रुपए की आई है, काम 20 रुपए किलो चल रही थी शिमला मिर्च। इनमें मम्मी ने हमारे हाथ से फ्रेंच फ्राइज छीन लिए, बोल रही तुम बहुत मोटे हो गए, मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी। तो हमने भी बोल दिया एटीट्यूड में कि अब कसम से हम आपके फ्रेंच फ्राइज नहीं खाएंगे, पर फ्रेंच फ्राइज का हम चिली पटाटो बना के तो खा सकते हैं ना। तो यहाँ पे अभी हम फ्राइज को फ्राई कर रहे हैं और सब्जियों के लिए हमने लिया है एक अनियन, थोड़े से गार्लिक और एक कैप्सिकम छोटा सा, क्योंकि इसको और मुझको ये ज्यादा पसंद नहीं है दोस्तों। और मसाले में हमारा साथ देगा ये किसान का टमाटो केचप, साथ ही बचाए हुए और चुराए हुए ये 2 पैकेट विनेगर। स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम ये मोमोज की चटनी इसमें डालेंगे दोस्तों, और लास्ट में डालेगा इसमें सोया सॉस। इस लड़की ने अपने चाकू जैसे दांतों का इस्तेमाल किया मिर्च वाली सॉस के पैकेट को खोलने के लिए, और वो मिर्ची इस नारी के थोपड़े में चली गई दोस्तों। इसको मिर्ची लग चुकी है और यहाँ हमारा चिली पोटैटो की ग्रेवी बन चुकी है। सो यहाँ पे हमारी सॉस रेडी हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हो, आपको आंखें दी है भगवान ने। सो फनी, बहुत टॉक्सिक बातें करती कभी कभी। और ये तेल क्यों रखा है यहाँ? अच्छा, ये जो हमने फ्राइज तले थे दोस्तों उसका तेल बच चुका है। वो तो मैंने कसम खा ली थी एटीट्यूड में शाम को कि मम्मी अब मैं फ्राइज खाऊंगी ही नहीं, वरना मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि खा जाऊं, अच्छे खासे रेडी हो रहे हैं। पर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुमने फ्राइज की खाई है ना कसम, तुम इसका चिली पटाटो बना के खा लो, तुम्हारी कसम भी नहीं टूटेगी और फ्राइज भी ठूस लोगे। ये क्या नाप नाप के डाल रही है, पैक बना रही है कोई? पागल है तू, फिर फटाफट बना, देख खर्ची को उसमें छोड़ दिया, मेरा हाथ जल जाएगा। तेरा हाथ जल जाने का मुझे कोई डर नहीं है, अगर मुझे डर होता तो मैं खुद नहीं जलाती। परसों मैंने तेरा हाथ जलाया था कि नहीं? फिर भी तुझे कोई अकल नहीं आई, तो वो भूत है जिसको लात मारो तो अकल आती है। सालों पुराना सोया सॉस खत्म हो गया हमारा, सालों पुराना सोया सॉस है, सालों पुराना ही है मेरे लिए तो। हो कितना दुख हो रहा है मुझे, खत्म हो गया एकदम निकले फेंकी थी। कोई बात नहीं, नया आ जाएगा बहन, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई। कितना भी इसको चीज खिला लो और चीजें दिला लो, ये रहेगी ऐसी अध पगली सी, आधी पागल जो होती है। शुक्र मना ले मेरी दुश्मन है तू, फिर भी मैंने तेरे को अध पगली का पूरी पगली नहीं कहा है, तो तू पूरी। ये क्या डाल रही है, जेल डाल रही है ना, क्या डाला तूने सफेद कलर का? कौन सा रहा है भाई, मैं पूरी रेसिपी दिखा देती हूँ तुम लोगों को, अगर मैं मर जाऊँ ना इस ब्लॉग के डालने के बाद तो समझ जाना कि इसका ये कॉर्नफ्लोर वाला जहर काम कर गया।
अरे यार लालच आ रहा है मुझे। आग लगा के दिखाइए एक बारी। वो टमाटर में लगती है, प्याज में। टमाटर में तो आग लगी गई है। 150 रुपए का हो गया भाई साहब, फिर भी हमारे घर में आना बंद नहीं है। देख माँ बाप ने कोई कमी नहीं करी, अभी भी मम्मी 150 रुपए का टमाटर भी खरीदती है, पर बच्चे ऐसी बातें बोल बोल के समाज में बेइज्जती करा रहे हैं कि टमाटर में आग लग गई, टमाटर महंगा हो गया। चल इसमें मैंने नमक नहीं डाला भी। ले तू ही चकले, पागल है मैं नहीं चकली। नमक तो डाल बेवड़ी, मुझे लग रहा है तूने बेवड़ी नशे नशे में ना सॉस कम बनाई है। कोई नहीं ना, ठीक है, रोटी से अच्छा तो यही है। रोटी भी खाएगी इसके साथ? नहीं, भूख लगेगी तो खा लूंगी। आलू की सब्जी तो है। ये जो तेरी आदत है ना कि भूख लगने पे तू कुछ भी खा जाती है, इसी आदत से मुझे डर लगता है कहीं तूने किसी दिन ऊ खा लिया तो ऊ ऊ। तो जानवर भी तो इंसानी रूप बन गया ना, वो और क्या। अच्छा इसको मिक्स तो कर। अरे सबसे पहले हम मम्मी को सर्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर मम्मी ने हमारे हाथ से फ्रेंच फ्राइज छीन के हमें जलील नहीं किया होता तो आज हम फ्रेंच फ्राइज से चिली पटेटो थोड़ी बनाते। सही बात है। तो सबसे पहले मम्मी को सर्व कर। अबे माँ बाप के लिए भी कंजूसी करेगी, थोड़ा और डाल। वो खाना खा चुकी है। अच्छा भाई दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, धुआंधार चिली पटेटो इस हियर गाइस। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। डिनर का आनंद तो हम ले चुके हैं दोस्तों, बस बहन ने उकास से ज़्यादा मिर्ची डाल दी थी इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। खैर जितनी बार फ्रिज खोल रही ना उतनी बार मेरी नज़र इस सुंदर सी ड्राइंग में जा रही है। लड़की ने ड्राइंग तो बहुत प्यारी बनाई है यार, एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दो इस ड्राइंग के लिए। आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अपनी मम्मी की प्लास्टिक कलेक्शन दोस्तों। जिस उम्र में लोगों की मम्मियाँ पाई पाई जोड़ के अपनी लड़कियों के लिए सोने चांदी के जेवर जोड़ रही हैं, उस उम्र में मेरी भोली माँ ने तिनका तिनका करके ये ढेर सारा प्लास्टिक इतना बड़ा टब भर के हमारे लिए जमा किया है। अब हमारी फूटी किस्मत के अनुसार मैं आपको बताती हूँ, ठीक रोज 11 बजे हमारे मोहल्ले में प्लास्टिक वाले भैया आते थे, लोगों का प्लास्टिक ले जाते थे, उन्हें कुछ चिल्लर दे जाते थे, पर जैसे हमने अपना प्लास्टिक जमा किया वैसे 3 दिन से भारी वर्षा के कारण प्लास्टिक वाले भैया नहीं आ रहे और ये हमारे घर का प्लास्टिक हमारे घर पे ही सजा हुआ है। खैर छोड़ो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों, इस महीने में कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो हम ये प्लास्टिक बेच के रहेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी इस व्लॉग को करें यही एंड, क्योंकि काफी रात हो चुकी है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल रखना। बाय बाय, गुड नाइट।